हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल में। मैं नई नई रेसिपीज बनाता हूँ, तो आज भी एक बहुत अच्छी रेसिपी लेके आया हूँ। तो आज ये सड्डे पंजाब दी मलाई वाली लस्सी बनाते हैं। एकदम धमाकेदार लस्सी है, ऐसी लस्सी कहाँ मिलेगी पंजाब वाली। ओके, इस लस्सी को बनाने के लिए 2 ग्लास दही लिया है मैंने, एकदम चिल्ड ठंडा फ्रिज से निकला हुआ दही है। बर्फ वर्फ मत डालना इस लस्सी में, आप डेयरी से भी ला सकते हैं, बट ये घर में जमाया हुआ दही है। लेकिन एकदम गाढ़ा वाला दही है, मलाईदार दही। अब मुझे क्या करना है, इस दही को एक बर्तन में डाल लेना है और इसमें 3 चम्मच चीनी डाल रहा हूँ मैं। आप 2 चम्मच भी डाल सकते हैं अगर मीठा कम खाते हैं तो। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी डालूंगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा काला नमक डालूंगा 1/2 छोटी चम्मच के करीब। और ये मैंने ले लिया है, और रई जो होती है ना बिलोने वाली लस्सी को, तो मुझे इससे लस्सी को बिलोना है। और आप देख सकते हैं ऐसे रोटेट करना है इस रई को। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक वाला हैंड ब्लेंडर है आप उससे भी बना सकते हैं, बट इसकी बात ही कुछ और है, ये मैनुअल वाले की। आवाज़ सुन लो आप, कैसे आवाज़ आनी चाहिए बिलोते हुए। बिल्कुल ऐसे बिलोना है, लेफ्ट राइट आराम से बिलोना है इसको, जब तक इसमें झाग ना आ जाए। एकदम ज़बरदस्त वाले झाग आएंगे इसमें, ऊपर जो मक्खन है ना वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। जब ये 5 मिनट या 10 मिनट तक आप अच्छे से इसको बिलोएंगे ना तो ऊपर मक्खन आ जाएगा, जो झाग है वो एक्चुअली मक्खन है। ओके, मैंने तो इस लस्सी को बिलो लिया है, अब आप देख सकते हैं ऊपर कितने झाग आ चुके हैं। 5 मिनट तक इसे अच्छे से बिलोया है मैंने, बड़ी मेहनत की है। और इसके बाद इस लस्सी को ग्लास में डालना है आराम से, और थोड़ा ऊपर से करके डालना तो झाग और अच्छे आएंगे। ओके, अब ये लस्सी तो मैंने ग्लास में डाल दी है, अब इसमें जो मेन चीज़ डलेगी वो है मलाई, जो दूध के ऊपर मलाई होती है ना, मलाई 2-3 पीस बड़े मलाई के इसके ऊपर डालने हैं। मलाईदार लस्सी है पंजाब वाली, ये लस्सी सिर्फ पंजाब में तगड़ी मिलती है। तो बस ये उसी की रेसिपी है, बहुत सिंपल रेसिपी है। लॉकडाउन में अगर आपके पास 2 या 3 इंग्रेडिएंट है तो ये ठंडी ठंडी लस्सी जो है इससे बेस्ट चीज़ और क्या हो सकती है चिल्ड लस्सी से। तो मेरे दोस्तों, आप रुके कि वो आप भी फटाफट किचन में जाओ और इस लस्सी को बनाओ, अपनी फैमिली के लिए बनाओ, अपने लिए बनाओ, और इस गर्मी में ठंड पाओ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं फिर लौटूंगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।